कभी संसार में किसी कन्या के साथ, किसी लड़की के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है तो करने वाले को सर झुका के चलना चाहिए, ये नहीं कहा जाता। पर जिस लड़की के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है उसको सर नीचे झुका के चलना पड़ता है। उसको कहा जाता है तुझे किसी को बताना नहीं है। और ऐसा लगता है कि इसने कोई गलत काम किया, इसने कोई पाप किया। ये समाज की बड़ी छोटी मानसिकता है। इसलिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ, आज अष्टमी भी है, अगर माँ के रूप में, देवी के रूप में पूजा करना जानते हो तो जो साक्षात चलत, जो देवी रूप में, स्त्री रूप में महिला घूम रही ना, उनका सम्मान करना सीखो, उनको आदर देना सीखो। अष्टमी के दिन, नवमी के दिन सबको कन्या पूजन के लिए बेटियां तो चाहिए, पर घर में बेटी पैदा नहीं हो जानी चाहिए। घर में बेटी का जन्म हुआ तो विनोद में कहते ऐसे लगता घर में छोरी नहीं, घर में चोरी हो गई हो, ऐसा माहौल बन जाता है। कह जरूर देंगे कि भैया सब बराबर हैं, भैया सब ऐसा है, पर जब घर में बेटी की बारी आती है, बेटी पैदा होने की बारी आती है तो सबके मुंह बन जाते हैं। इसलिए, और बेटा भी पैदा हो गया तो उसके लिए भी तो फिर बाद में जल के बढ़िया बहू ढूंढते ही हो, बेटी बढ़िया ढूंढते ही हो। जब बेटियां पैदा ही नहीं होंगी तो बहू कहां से लाओगे। और अचंभे की बात देखो कि घर में कोई नई बहू आती है ना, कोई नई कन्या शादी करके आती है, उसको कष्ट देने वाला कोई और नहीं होता, सबसे ज्यादा कष्ट देने वाली एक महिला ही होती है। घर में जो उसकी सास होगी, ननद होगी, देवरानी जिठानी होगी, वही उसका जीना हराम करेगी, वही उसको परेशान करेगी। सास कहलवाने का तो बड़ा शौक होता बचपन से, जैसे छोरा पैदा होता ना तो जो महिला होती है वो हर अच्छी लड़की को देख के ऐसी बहू लाऊंगी, अपने बेटा के लिए ऐसी बहू लाऊंगी देखना, और जैसे ही बहू आ जाती है तो उसके दो सींग निकल आते हैं, तो फिर एकदम ये ताली बहू ही बजा रही है। पर भी क्या करे, सास भी कभी बहुती भूल जाती है, सास उस समय उसे याद नहीं रहता, पता नहीं अपने साथ जो बीती वो कैसे दूसरे के साथ करनी, या तो वो इतनी खुंदक खा जाती है कि भाई मेरे साथ जो घटा मैं भी करूँगी। पर ये सोचना चाहिए कि जब आप अपने जीवन में थे, जब आप बंधन का महसूस करते थे, तो आज जब आप अपने घर में आई नई कोई, उसके साथ ये बंधक बनाते हो, बंधन बनाते हो, तो उसको कैसा महसूस होता होगा। और हम नहीं सोचते, और यही कारण है कि घर में बेटी होती है, कन्या होती है तो सब बड़े चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि आगे भी नहीं पता, पढ़ लिख करने के बाद भी आगे उसके भविष्य में, उसके आगे आने वाला जीवन कैसा लिखा होगा, उसकी बड़ी चिंता रहती है कैसा इसके साथ व्यवहार होगा। पर जैसा व्यवहार आप, अब देखो बात बड़ी विचित्र है, पहले मैं बहुत बोला करती थी कि किसी ने पूछा तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू आई है घर में, नई बहू आई है, कैसी है, कैसा चल रहा है, बोले पूछो मत, एकदम आलसन है, सुबह 8 बजे जगती है, सारा चाय भी चाहिए तो बेटे को कह देती है चाय बना के लाओ जी, वो चाय लाता है, फिर कहती है आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, मैं तो बाहर जाऊंगी खाने के लिए, फिर वो छोरा लेके जाता है इसको बाहर कहलाने के लिए, घर का कोई काम धंधा नहीं करती। अच्छा, आपकी बेटी की भी तो शादी हुई थी अभी, वो कैसी है, बोले वो तो एकदम राजमहल में रहती, रानी बना के रखते हैं, घर वाले कोई काम नहीं करने देते, कोई प्रेशर नहीं, सुबह आराम से जगती है,
और दामाद जी इतने अच्छे चाय बना के लाते हैं, उसको चाय पिलाते हैं, और जब पूरे दिन काम करती करती थक जाती है तो बोलते हैं अब तू थक गई होगी, अब क्या खाना बनाना, चल आज बाहर खा के आते। तो रिश्ता वही सोच नहीं, घटना क्रम बड़ा उलट पुलट हो जाता है। तो घर में कोई पुत्री, घर में कोई कन्या किसी पर बोझ नहीं होती। और इस संसार में हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, इस दुनिया में जो जीव जन्म लेता अपना भाग्य साथ लेके आता है, अपना भविष्य साथ लेके आया है, अपना विधान साथ लेके आया है। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, सब उसके जीवन में भगवान अपने आप स्वयं करेंगे। तो इसलिए लोग कहते हैं कृष्ण चीर चुरा करके स्त्रियों का अपमान करते हैं, पर लोग ये भूल जाते हैं कि वही कृष्ण हैं जब 16,000 रानियाँ कन्या, जब इनका कोई अपना नहीं था तो उस समय कृष्ण ने इनको अपना बनाया, कृष्ण ने इनको अपनाया, इनको आदर दिया, इनको सम्मान दिया, इनको मान दिया। तो ऐसे श्री ठाकुर जी ने 16,108 विवाह करे। आगे भगवान की गृहस्थी चली और महाराज बड़ी लंबी चौड़ी चली, सब 16,108 कन्याएं हुई और सबके घर में 10-10 बेटा, एक एक पुत्री सबको पैदा हुई। ठाकुर जी सबका, अपने घर परिवार का, बाल बच्चों का बड़े खुशी से ध्यान रखते। बीच बीच में इनको घुमाने ले जाते कि भाई चलो आज थोड़ा घूम के आते हैं, पिकनिक करके आते हैं। तो एक दिन गए थे घूमने बाल बच्चों को लेकर के, तो ठाकुर जी ने कहा हम थक गए, तुम सब घूमो फिरो, हम बैठे एक जगह। प्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, भगवान के सब बाल बच्चे खेल रहे थे, घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ था, बड़ा विशालकाय था। सबने आकर के भगवान को बताया, भगवान उठ करके गए, जाकर के उस गिरगिट को भगवान ने स्पर्श किया, छूते ही वो एक राजा बन गया। ये एक राजा थे, राजा नृग। नृग राजा की कथा आती है कि बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े गौभक्त थे। इन्होंने बहुत सारी गौ दान करी, पर एक बार इनसे गलती से ब्राह्मण अपराध हो गया। किसी एक ब्राह्मण को दी गई गाय दूसरे को दे दी, इससे ब्राह्मण रूठ गए और बस इसी ब्राह्मण अपराध से उनको एक गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, उपदेश दिया कि देखो भैया कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, साधुओं का अपमान मत करना, ब्राह्मण का अपमान पूरे कुल का नाश कर देता है।